यूपीएससी की जब बात आती है तो कहा जाता है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो आपका भाग्य खुल जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि देश की सबसे ये कठिन परीक्षा भी है, देश की नहीं विदेश की भी है, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगता है, साल भर तो एग्ज़ाम ही चला करता है। हमारे साथ एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, इन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या रहा, कैसा रहा, तो कैसा रहा सबसे पहले? मेरा नाम कुलदीप मीना है और मेरा इंटरव्यू अभी फ्राइडे को था, 13 अगस्त को। तो इंटरव्यू देखिए, मतलब जब मैं निकला तो ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर मेरे को एक तरीके से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे, उन्होंने मेरे को एम्बेसडर भी बना दिया, IAS बना के भी क्वेश्चन पूछे, IPS बना के भी पूछे, और इतने सीनियर लोगों से अगर हम सोशल इश्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब सिलेक्शन से पहले ही आप एम्बेसडर भी बन गए, IPS भी बन गए? मैं ये नहीं पता कि फाइनल सिलेक्शन होगा, मैं ये भी नहीं सोच रहा कितने मार्क्स देंगे, लेकिन काफ़ी मज़ा आया इंटरव्यू देके। किस पैनल में था आपका? भारत भूषण व्यास सर का था। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आपसे? मतलब मैं IIT दिल्ली से पास आउट हूँ 2019 बैच से, तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रखे हैं और सर्विस के अंदर हूँ मैं, तो रेलवे सर्विस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए मेरे से, IIT दिल्ली से रिलेटेड पूछे गए, और जो करंट में चल रहा है वो सब चीज़ें पूछी गई। आप अभी सर्विस में हैं? हाँ जी, मतलब मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया है 2019 में कॉलेज के साथ। तो मेरा UPSC करवाती है? हाँ जी, UPSC करवाती है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अभी मैं इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में हूँ। UPSC जो सिविल सर्विसेज है, ये कितनी बार दी है? मैंने दो कॉलेज के साथ दिया था 2019 में, पर उस टाइम शायद इतनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी मेरी, तो मीन्स में मैं 3 नंबर से रह गया था कट ऑफ से, और इस बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने EOL अप्लाई कर दिया था रेलवे सर्विस से, तो 1 साल की छुट्टी दे दी थी उन्होंने, तो इस बार मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी, होपफुली सब कुछ ठीक रहे, तो ये सेकेंड अटैम्प्ट था मेरा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ये UPSC मेन्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, 3 नंबर से मात्र रुके थे। इस बार ऐसे कौन से क्वेश्चन लगे जिनका जवाब आप नहीं दे पाए? मतलब दो जगह ऐसा हुआ था, जैसे मैं सवाई माधोपुर से आता हूँ, तो चेयरमैन सर ने मेरे से पूछा था कि सवाई माधोपुर का नाम क्यों पड़ा, तो मैंने बता दिया कि सर सवाई माधो सिंह राजा थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, तो उन्होंने पूछा कि लेकिन सवाई का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ था पर मैं श्योर नहीं था, तो मुझे ये पता, मैंने पढ़ा हुआ था कि जो पुराने राजा महाराजा थे राजस्थान के, वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने के लिए सवाई वर्ड यूज़ करते थे नाम के आगे, जैसे सवाई जय सिंह हो गए, सवाई उदय सिंह हो गए, तो मैं शॉर्ट नहीं था, तो मैंने सर को बोला कि गलत बताने से अच्छा है पहले अपन बोल दें कि सर मैं शॉर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी मेरे को चांस देंगे तो मैं गैस कर सकता हूँ, तो सर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉलेज और मेमोरी चेक नहीं कर रहे हैं, वो प्री और मेंस में हो चुकी है, यहाँ पे हम आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं, तो आप चेक कर लेना घर जाके, कोई इशू नहीं है, तो वो मेरे हिसाब से ठीक रहा। हाँ जी, यही था पर मेरे हिसाब से ठीक रहा, मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो ये चीज़ देखते हैं कि बच्चा जो एक्सेप्ट कर रहा है कि उसको नहीं आता, तो वो पढ़ने के लिए तैयार है उस चीज़ को, और आगे भी ये चैलेंजेस आने वाले हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चैलेंजेस आएंगे अगर हम नकार दें कि मुझे तो आता है और नहीं आता, तो फिर उसका नुकसान जनता को ही उठाना पड़ता है। कितने दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC की? मतलब 2019 पास आउट हूँ मैं, तो जो इंटेंस प्रिपरेशन है वो तो 2 साल से चल रही है, पर कॉलेज के 3rd ईयर से स्टार्ट कर दी थी। मतलब माना जाए 2018 से? 2018 से बेसिक बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, और हाँ 2019 से अच्छी प्रिपरेशन। 2019 से? हाँ। तो पेरेंट्स को जो काफ़ी समय लगता है ना UPSC में क्लियर करने में, जो 4 साल 3 साल, तो कुछ लोग होते हैं जो बोले लगते हैं 2 साल में 1.5 साल में क्लियर नहीं हो पाता है, कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सर मतलब मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी नहीं हुआ है, हो सकता हो जाए। मतलब हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा एटलीस्ट 2 साल का, उससे मुझे ये लगा है कि अभी जो पैटर्न है वो बदल रहा है, डायरेक्ट बुक के बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस जैसे अभी अफगानिस्तान का इशू ले लीजिए आप, तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा मेंस के अंदर कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, वो सभी को पता है क्या चल रहा है, वो क्वेश्चन आएगा कि अफगानिस्तान में जो चल रहा है उससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, सिक्योरिटी के आस्पेक्ट से, रिलेशंस के आस्पेक्ट से, और अगर आपको हम एम्बेसडर बना देते हैं तो आप क्या करेंगे, और सर ने भी मुझसे कल ही क्वेश्चन पूछा, भारत भूषण सर ने, तो सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं आजकल। ये सवाल किया था कि अगर हम एम्बेसडर बना देते हैं आपको अफगानिस्तान में, कैसे टैकल करोगे इशू को, आपका जवाब क्या था? सर मतलब मेरा ये सर ने ये भी पूछा था कि आप कैसे टैकल करोगे और जो गवर्नमेंट कर रही है अभी क्या उससे सेटिस्फाइड हो, तो मैंने कहा मैम सर गवर्नमेंट एफर्ट मार रही है, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें तालिबान से जो हमारी रिलेशंस रही है पास्ट में, क्योंकि वो कांदार हाईजैक हुआ था तो उसमें हमने मासूद अजहर और उन्हें खोया था अपने लोगों की जान बचाने के लिए, और उन्होंने बाद में अटैक किया 26/11 का हमला, तो मैंने उनसे बोला कि सर इसीलिए हम उनकी तरफ उनसे बातचीत नहीं करना चाहते, तो हमें डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए उनसे कि अगर आप पावर में आने के बाद हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को हर्ट करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी जो सोच है उससे इंस्पायर हो रहे हैं, हम बस उन्हें बता रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है
तो हम टैकल करेंगे। गवर्नमेंट को बस ये चेंज करना चाहिए, डिफेंस की जगह एग्रेसिव होना है। हाँ, डायरेक्ट बात करनी है और डिप्लोमेटिक चैनल्स तो हमेशा खुले हुए ही हैं। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए जो थोड़ा अब बताना चाहेंगे? हाँ जी, एक मैम थी तो उनका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको जो संविधान है उसका प्रियम्बल याद है क्या? तो मैंने बोल दिया कि हम याद है, तो उन्होंने मज़े में ऐसे ही बोल दिया कि मुझे सुनना नहीं है, तो याद है तो क्या करूँ मैं। तो ऐसे ही सब हंसने लग गए। फिर मैम ने बोला कि चलो चार कोई ऐसे वर्ड्स बताओ जो आपको बहुत पसंद है, मतलब प्रियम्बल से। तो मैंने चूज़ किया सोच के, क्योंकि सोच मुझे लग गया था कि ये क्वेश्चन पूछा है तो आगे तक जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूछ के ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने टाइम लिया, मैम से 10 सेकंड मांगा और मैंने सोचा कि मतलब सर जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी है। तो मैम ने पूछा कि कोई एक चीज़ चूज़ करनी है आपको, तो कौन सी करोगे? तो मैंने जस्टिस बोल दिया, पर क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि फिर जस्टिस से सब कुछ हो जाएगा क्या, बाकी तीन चीज़ें तो आपने सेक्रीफाइस कर दी। तो मैंने बोला कि मैम आपने क्योंकि एक चीज़ पूछी थी तो मैंने कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ी और एक से दूसरी जुड़ी हुई है, तो अगर जस्टिस अचीव कर लेंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि जहाँ न्याय वहाँ समानता कैसे हो सकती है। फिर मैम ने बाकी चीज़ें पूछी कि दूसरी चीज़ें कैसे अचीव होगी, लिबर्टी फ्रेटर्निटी, तो उसका अच्छा आंसर दिया। तो मैम ने काफ़ी मतलब एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि सेटिस्फाइड या नहीं है बोर्ड, तो अच्छा आंसर था मेरा। और इसके अलावा और मेरे मतलब कॉलेज के, मैं क्योंकि दिल्ली रहा हूँ 3-4 साल, तो दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों होता है, उसके लिए आप क्या करोगे, और अगर आपको IPS ऑफिसर बन जाते हो, एक सर थे, मुझे लगा कि वो पुलिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने पूछा कि अगर आप IPS ऑफिसर बन जाते हो और नक्सलवादी क्षेत्र में पोस्टिंग होती है तो कैसे टैकल करोगे आप इशू? तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चन सिचुएशन में डाल के एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप क्या सोल्यूशन दोगे। बेसिकली क्या है आपका मेन एम, IPS या IAS? मैं रेलवे सर्विस में हूँ तो मेरी फर्स्ट चॉइस IAS है, क्योंकि IPS मतलब सारी पोस्टें अच्छी हैं और सभी के अपने अपने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डील करना ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को अलग, और IAS जो है अपने को अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी देता है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, IPS थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर से रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए कोई इशू क्राइटेरिया कम है, IAS का बढ़ जाता है क्राइटेरिया। हाँ जी हाँ, काफ़ी अलग 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 चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा अपने को, तो डाइवर्सिटी है जॉब में। हाँ चलिए, ये कुलदीप मीणा हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हैं, इसके बाद इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC इंजीनियरिंग सेवा में इन्होंने सिलेक्शन लिया था 2019 में, इन्होंने दिया था UPSC सिविल सर्विसेज, लेकिन उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, मीन्स 3 नंबर से रुक गया था। ये सेकेंड अटेम्प्ट है, उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं कुलदीप जी। थैंक यू।